हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को हरी मिर्च को महीने तक कैसे प्रिजर्व करें इसका सिंपल सा तरीका बताने वाली हूं। साथ ही साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को बनाकर कैसे प्रिजर्व करें इसका तरीका बताने वाली हूं, जिससे आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहे और मेरे ये प्रिजर्व करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कुछ हरी मिर्च लिए हैं, जिन्हें अच्छे से वॉश कर सूखे टावल से पोंछ कर अच्छे से सुखा लिया है। अभी लॉकडाउन का समय है, आप बार बार मार्केट नहीं जा सकते हैं, तो इस तरीके को जरूर अपनाएं। इससे मिर्च महीने तक बिल्कुल ताजा रहेगी, खराब नहीं होगी। अब इन मिर्च के डंठल को हटा लेंगे, क्योंकि इन डंठल की वजह से मिर्च सड़ने लगती है, खराब होने लगती है और इनका कलर भी चेंज होने लगता है। सारे डंठल को हटा लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे डंठल को अलग कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से तैयार कर ले। मैंने यहाँ एक एयर टाइट डब्बा लिया है। अब इनके ऊपर टिश्यू पेपर रख लेंगे। आप चाहे तो किचन टॉवल भी यूज कर सकते हैं। इन्हें इस डब्बे में अच्छे से फैला लेंगे। हवा और पानी से मिर्च सड़ने लगते हैं, इसलिए इनके मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने के लिए मैंने यहाँ टिश्यू पेपर लिया है। अब इन हरी मिर्च को इनमें रख लेंगे। ये तरीका आप जरूर अपनाएं, आपकी मिर्च महीनों तक ताजा रहेगी, आपको बार बार मार्केट जाना नहीं पड़ेगा। अब इनके ऊपर और एक टिश्यू पेपर रख लेंगे। ये मिर्च की नमी को अब्सॉर्ब कर लेगी और इन्हें ताजा रखने में मदद करेगी। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर या फिर किचन टॉवल यूज कर सकते हैं। अब इन्हें फ्रिज में 25 से 30 दिन रखकर आराम से यूज करें, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। अगर आपको लगे कि इसमें नमी आ गई है तो टिश्यू पेपर चेंज कर ले। आपको जब भी मिर्च की आवश्यकता पड़े आप इसे निकाले यूज करें, लेकिन इस डब्बे को अच्छे तरीके से बंद करके रख ले ताकि कोई नमी ना आए और ये खराब ना हो। ये तरीका आप जरूर अपना के देखें। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप आराम से 20 से 25 दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लहसुन को छील कर इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और इन्हें टॉवल से सुखा लिया है। अदरक को भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। सरसों का तेल ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। नमक, हल्दी, इन तीनों का जरूर यूज करें, इससे अदरक लहसुन की पेस्ट खराब नहीं होगी, आप 20 से 25 दिन आराम से यूज कर पाएंगे। मैंने यहाँ एक मिक्सर जार लिया है। अब इनमें लहसुन ऐड करेंगे। आपको जितनी क्वांटिटी में पेस्ट बनानी हो आप उस हिसाब से लहसुन ऐड कर सकते हैं। अब इनमें छोटे टुकड़ों में कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, नमक, और सरसों का तेल ऐड करेंगे। हमें सरसों के तेल से ही पेस्ट तैयार करना है, पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है। ढक्कन लगाकर इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इस पेस्ट को इस डब्बे में ट्रांसफर कर लेंगे। ध्यान रहे आप जो भी डब्बा लें एयरटाइट डब्बा ही लें। अदरक लहसुन के साथ आप हरी मिर्च ऐड करके भी इसे तैयार कर सकते हैं।
इससे आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाएगी। आपको ये पेस्ट बार बार तैयार नहीं करना पड़ेगा। आप इसे 20 से 25 दिन आराम से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट प्रिजर्व करने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नई रेसिपीज और वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच सके। सरसों का तेल, हल्दी और नमक ये तीनों प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और इन अदरक लहसुन के पेस्ट को खराब नहीं होने देगी। आप इसे फ्रिज में रखकर स्टोर कर लें, 20 से 25 दिन तक ये आराम से चलेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आपको जब भी यूज करना हो आप इसे यूज करें, फिर इनके ढक्कन को अच्छे से लगा कर रख दें ताकि इनमें कोई हवा ना जा पाए और ये बिल्कुल ताजा रहे।